हेलो एंड वेलकम बैक। पाइल फाउंडेशन का जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टेप बाय स्टेप एज जो इस वीडियो के थ्रू देखेंगे। आइए वीडियो के अंदर चलते हैं। ये है पाइलिंग का रिग है, हाइड्रोलिक मशीन है ये, मेड HR 260 का है मॉडल जो है, और इसकी जो पर मंथ जो किराया होता है वो 15 लाख का अराउंड होता है। हमारा जो पाइल है वो 1.2 मीटर डायमीटर का पाइल है। अभी ये पोजिशन में खड़ा है, अभी बस चालू हो गया है। ये हम जो कर रहे हैं वो टेस्ट पाइल कर रहे हैं। कोई भी अगर पाइल फाउंडेशन चालू करने से पहले एक टेस्ट पाइल करना बहुत ज़रूरी होता है, और आपको क्या क्या अरेंज करना है पाइल फाउंडेशन करने से पहले वो देखेंगे। पहले तो एक MS केसिंग होता है जो 8 mm थिक का होता है, लाइनर प्लेट है, और पाइल का जो रहेगा वही रहेगा, और लेंथ जो रहेगा हार्ट स्टेटा तक आपको कितना लेंथ चाहिए वो रहेंगे। सेकेंड रहेंगे पॉलीमर मिक्सिंग टैंक, जो सॉइल स्टेबलाइज करने के लिए आपका पॉलीमर मिक्सिंग टैंक रहेगा, और कॉन्क्रीट करने के लिए आपका एक ट्रमी पाइप रहेगा, जो इसमें पिक्चर में जो दिख रहा है जो कॉन्क्रीट करते हुए उसमें दिख रहा है ट्रेमी पाइप का, जैसे कि आप जोड़ सकते हो कितना पाइप लेके कितना लेंथ तक चाहिए उतना तक आप जोड़ सकते हो। ट्रेमी पाइप इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं कि जो कॉन्क्रीट है और पाइल का, जैसे कि अगर आपका पाइल की जो लेंथ है यानी हाइट 30 मीटर हो सकता है, 10 मीटर हो सकता है, 20 मीटर हो सकता है, तो आप कॉन्क्रीट जो डालते हो जो मिनिमम जो हाइट है, जो मैक्सिमम हाइट है कॉन्क्रीट करने का, वो 1.5 मीटर से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम ट्रेमी पाइप यूज़ करते हैं। ट्रेमी पाइप के ऊपर क्या होगा कि एक होपर रहेगा कॉन्क्रीट, उसमें से डालेंगे और ट्रेमी पाइप को उसमें जोड़ते जाएंगे, तो जितना हाइट है उसके हिसाब से वो करेंगे। इसमें वाइब्रेटिंग के लिए क्या करते हैं, उस ट्रेमी पाइप को ऊपर से जैसे शेक करते हैं, ऊपर से मतलब एक ऊपर उठा के जैसे नीचे करते हैं, तो उससे होता है कॉन्क्रीट डालते वक्त लगभग 1 मीटर तक पहले अंदर ही रहता है ट्रेमी पाइप, ताकि धीरे धीरे उसको बाहर लेके आते हैं जैसे कॉन्क्रीट करेंगे। अब आप देख सकते हैं वीडियो में इसका बोर हो रहा है। अभी जो इसका साइल रिमूव करने के लिए क्या है, जो ये किल्ली बार है, इस किल्ली बार को ये जैसे एक रोटेट और शेक करेगा तो आपका जो साइल है वो रिमूव हो जाएगा। जैसे जैसे रोटेट और शेक करा तो आपके साइल यहाँ पे नीचे गिर जाएगा, जिससे कि पाइल से थोड़ा सा दूर से करेंगे। जो पॉलीमर और बेंटरेट होता है साइल का स्टेबलाइज करने के लिए, क्योंकि साइल अंधेरे ना कर दे इसके लिए होता है। इसके लिए एक टैंक भी बनाते हैं, ये है वो टैंक, पॉलीमर मिक्सिंग टैंक, हम पॉलीमर यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। इस टैंक में ऊपर चढ़ने के लिए एक CD भी हमने दिया है, उसके अलावा एक डिलीवरी पाइप और वाल्व होगा नीचे से, ताकि वो जो है पाइल के अंदर जाओ उसको मिक्स करके डालेंगे पॉलीमर को, इसमें वो जाता रहेगा। जैसा अभी ये पाइलिंग का चल रहा है, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में कराऊँ ताकि सेम प्रोसेस होता रहेगा तो कुछ हाइट जाने तक, इसलिए मैंने ये कर दिया। आपकी जो MS केसिंग बोला था, जो लाइनर प्लेट है, वो पहले आपको सब कुछ अरेंज करके रखना होगा। उसके जो डाया है वो आपके पाइल की डाया से 5 mm 10 mm ज़्यादा रखिएगा, वो सेफ रहेंगे। उसके अलावा अगर आपका स्टील वगैरह प्लेस करने में भी ईजी रहेगा, और उसकी जो हाइट है वो हार्ट स्ट्रेटा तक, ग्राउंड लोड से जैसे हार्ट स्ट्रेटा तक आपका नीचे जाना है, और ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर रखना पड़ेगा, ताकि आपको मतलब 200 300 400 500 में जो भी हो ग्राउंड से भी ऊपर रखना पड़ेगा, ताकि आपको उसका प्लेट को जैसे कॉन्क्रीट होने के बाद में आपको ऊपर खींचने के लिए वो सही रहेगा। और उसका थिकनेस 8 mm रखेंगे जो लाइनर प्लेट का। और उसके अलावा आपको जो उस टाइम में अरेंज करना होगा, अभी तो हम टेस्ट पेल कर रहे हैं, टेस्ट पेल के लिए ऊपर के लिए आपको एक शटर भी अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे हमारा जो आर्ट स्टेटा फॉर एग्जांपल 4.5 मीटर 5 मीटर में आ रहा है, तो हम 5 मीटर का लेंथ के लिए बनाए जो MS केजिंग जो लाइनर प्लेट है। तो अगर आपके हिसाब से किसी का अगर 30 मीटर पाइल हो तो वहाँ पर तो कभी 11-12 मीटर का भी लाइनर प्लेट बनता है। उसके अलावा ऊपर जैसे पाइल आपका यहाँ तक आने के बाद जैसे टेस्ट पेल करने के लिए आता है, ऊपर तक आपका कॉन्क्रीट होना होता है, तो आपका 1 मीटर जैसे ग्राउंड से भी ऊपर 1 मीटर आपका ऊपर तक आपका पाइल को कास्ट करना पड़ेगा। जैसे ऊपर कास्ट करने के लिए आपको एक बार जैसे अगर 1200 डाया का पाइल है तो 1200 का आपका वो प्लेट भी चाहिए होंगे,
ऊपर अगर कास्ट करने के लिए, ऊपर कास्ट करने के बाद क्या होता है, एक बार टेस्ट सब कुछ होगा, अगर टेस्ट होने के बाद उसका कट ऑफ लेवल होता है। कट ऑफ लेवल में क्या होता है कि जैसे एक मीटर नीचे, जैसे पूरा फिनिश होने के बाद ये सब कुछ टेस्ट वगैरह होने के बाद कट ऑफ लेवल में उसको कट कर लेंगे। जैसे पहल को कट करेंगे मतलब सिर्फ कॉन्क्रीट कॉन्क्रीट को तोड़ देंगे, सरिया ऐसे ही रहेगा। फिर उस सरिया के साथ जैसे ये तो टेस्ट पहले इसमें कुछ नहीं करेंगे, और जो बाकी वर्किंग पहल होता है तो उसमें हम जैसे कि पाँच छः पहल होंगे फॉर एग्जाम्पल, तो छः पहल के जो जितने जैसे कट ऑफ लेवल में हमने कट लिया, सिर्फ कॉन्क्रीट कॉन्क्रीट का तोड़ देंगे उस एक मीटर में। उसके बाद उसको क्या करेंगे, सारे का पाइल कैप का जो स्टील से मिला के पाइल कैप कर लेंगे, एक पीसी से करके उसके बाद पाइल कैप कर लेंगे। अब देखिए इसको जो कॉन्क्रीटिंग का वीडियो है और स्टील का जैसे वीडियो है वो अभी पीछे आ रहा है। ये जो कर रहे हैं ये तो हाइड्रोलिक मशीन है, और यहाँ पे लाइनर प्लेट जो फिक्स कर रहे हैं, देखिएगा जो लाइनर प्लेट है उस फिक्स करते हैं, उसमें एक होल भी होंगे दोनों साइड ताकि उसको उठाने के लिए होता है बाद में हाइड्रा से, नहीं तो इस हाइड्रोलिक रिक से भी अब उसमें एक हुक रहता है उससे भी उठा सकते हो। और होने के बाद एक गार्ड मेस और प्रोटेक्ट फॉर पाइलिंग, क्या था कि एक गार्ड मेस हम फिक्स करते हैं ताकि इसमें कोई अंदर गिर ना जाए, कोई प्लेट वगैरह रख के उसके बाद ये गार्ड मेस हम रख लेते हैं, कोई इसमें ना गिरे। ये हाइड्रोलिक जो हेलिकल स्पाइरल रिंग है, जो पाइल में आपका जो पाइल के स्टील में मेन तो हेलिकल रिंग ही होता है। हेलिकल रिंग कैसे बनाते हैं हम, एक उसके लिए एक मोल टाइप उसमें बना कर रख लेते हैं पहले से ही, एक मोकअप टाइप, उसके ऊपर आपको घुमाते चलेंगे उस स्टील को, आप देख सकते हैं उसमें। उसके बाद वो थोड़ा बहुत तो खोलेगा, फिर वहाँ पर जाके रख के उसके साथ बांध लेंगे। इसको स्टील कैसे बांधेंगे, पहले कितना जो मेन बार है वो रख के उसको एक 16 mm के रिंग के साथ पहले वेल्ड कर लेंगे ताकि वो राउंड शेप में आने के लिए, पहले एक 16 mm का रिंग बना लेंगे, उस 16 mm को रिंग के इसमें रख के वेल्ड कर लेंगे, उसके बाद कितना सरिया उसके हिसाब से वेल्ड कर लेंगे। इसके बाद इसी में वो स्पाइरल रिंग को हम फिक्स कर लेंगे जो हमने अलग से बना कर रखे थे। ये देखिएगा जो स्टील हमने बना के उसमें वो रखा है, जो स्पाइरल हेलिकल रिंग भी इसमें जो बांध कर रखा है। पहले आपने जो वीडियो देखा वो अलग साइड का है और ये अलग साइड का है, क्योंकि अभी वहाँ पे जस्ट अभी पाइलिंग बोरिंग चालू हुआ है तो वहाँ पे मैं पूरा कॉन्क्रीटिंग और स्टील का तो वीडियो नहीं है, ये अलग साइड का है, दूसरी साइड का एक रेफरेंस के लिए दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या है कि वहाँ पे एक हाइड्रोलिक मशीन था मेट HR 260 था, और यहाँ पे है ट्रक माउंटेड था, जैसे एक ट्रेपर ड्राइव में रहेगा ट्रक माउंटेड में रहेगा, उसी में से एक ट्रेपर टाइप रहेगा उसमें से बोरिंग करते हैं। ये बहुत स्लो प्रोसेस है जो ये वाला जो मशीन दिख रहा है ट्रक माउंटेड, और वो जो हाइड्रोलिक मशीन है जो मेट मशीन है वो बहुत स्पीड है, एक दिन में 3 पहल तक भी हम कर सकते हैं, जो स्ट्रेटा के ऊपर है जैसे और हाइट के ऊपर है कितना हाइट हमें करना है। ये जो है जो केज का जो स्टील केज है उसके इंसर्ट कर रहे हैं हाइड्रा से, जैसे वहाँ पे हाइड्रा से कर रहे हैं, और ये दूसरी साइड मैंने पहले बता दिया, यहाँ पे जैसे वो भी चल रहा है बोरिंग भी चल ही रहा है जैसे ट्रक मोटर से चल रहा है यहाँ पे, और स्टील ये एक साइड में पहले से बांध रखे हैं हमने। ये जो स्टील का जो इंसर्ट करते हैं वो क्या है, अगर आपका जैसे कि बहुत बड़ा जो लेंथ ज़्यादा हो गया ना, जैसे 30 मीटर होगा, क्या करते हैं पहले एक 12 मीटर का फॉर एग्जाम्पल सरिया को जो अंदर घुसा दिया, फिर उसको एक होल्ड करके उसके जैसे होल्ड करते हैं कोई सरिया से उसको होल्ड कर लेते हैं पहले, उसको दूसरी जो केज को आप उधर रख के फिर दोनों को वेल्ड करते हैं, वही आपको इसमें वीडियो में जो इसमें अभी देख रहा था। मतलब एक स्टील केज के बाद दूसरे के साथ वेल्ड करते हैं इसमें जो अभी देखे, ये जो वेल्ड कर रहे हैं एक का तो ऊपर से एड्रेस से पकड़े और नीचे वाले का एक जैसे उसमें रिंग होगा ना उसके एक क्रॉस सरिया मतलब परपेंडिकुलर में एक सरिया डाल के उसमें रुकवाते हैं। ये हाइड्रोलिक जो मेड मशीन से इसको जो केज गम डालने वाले हैं, ये जो पहले वाला फेगर ये भी अनदर सेट का है जो पाइल कॉन्क्रीट हो रहे हैं ट्रेमी पाइप से, जैसे ऊपर ऊपर दिख रहा है तो उससे वो डाल रहे हैं। ये वाइब्रेशन के लिए जिसे शेक कर रहे हैं ऊपर नीचे,
जैसे जर्क देते हैं इसमें, वो जर्क से क्या होता है कि आपको वाइब्रेशन भी इसी से होना है। ओके दोस्तों, आपका ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपका ये यूज़फुल भी होगा जो भी मैंने डिटेल्स इसमें बताया। अगर आपका सेम टाइप का अगर वीडियोस चाहिए, अगर आप कमेंट कर सकते हो क्या टाइप के वीडियो चाहिए, और जो भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच।